रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परदेशियों के लिए है जी, तमाम मेरे वो परदेशी गैर मुल्की भाई जो यहाँ पर बैठकर अपने किसी भाई का, दोस्त अहबाब, किसी अजीज़ का वीज़ा बाय करते हैं और उन्हें सऊदी अरब में बुलाते हैं, और दूसरे वो मेरे परदेशी तमाम मेरे वो भाई जो सऊदी में बैठे हुए, जिनके खुदा न खवास्ता इकामे एक्सपायर हैं या हरूब है या बदून का फील काम करते हैं या भाई बलाग हरूब खुदा न खवास्ता या मतलूब वाले जुमरे। तो अच्छा, आपको ये बता दूं मैं, बलाग हरूब या मतलूब वाला वो जुमरा होता है, बलाग हरूब में आप नकल फला नहीं करवा सकते हैं, आप भाई सफर नहीं, अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते हैं। हाँ, मतलूब के जुमरे में आपको पता है वो तो आप भाई इश्तिहारी करार हो गए ना, यानी कि आप 20,000 रियाल में मतलूब हैं, तो कहाँ ही आप पकड़ेगा तो वो आपको जेल में ठोकेंगे कि इधर आ भाई, 20,000 रियाल निकाल, इस फला बंदे का तूने देना या जो भी मामला हैं। मैं ऐसे एक बंदे को भी जानता था जो सलाम दुआ थी मेरी उसके साथ, और वो मतलूब था, ठीक है जी, और बाद में वो बेचारा जैसे तैसे करके पाकिस्तान पहुंचा। मुझे पता है वो मुख्तलिफ मामलात होते हैं, पर सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर कुछ आपको पता बातें ऐसे नहीं की जाती हैं। बहरहाल, जिनके ई काम एक्सपायर हैं, हरूब है या बलाग हरूब है, वो भाई वो भी इसी जुमरे में आते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ऐसा होता है अक्सर कि आप चाहते हैं जी मैं अम्बेसी से क्रूज लगवा लूँ या हरूब वाले अम्बेसी से आउट पास बनवा लूँ या किसी एजेंट वगैरह के थ्रू जो भी काम करवा लूँ अपना एग्जिट का, और उसके बाद मैं चला जाऊँ पाकिस्तान, और क्या मैं दोबारा न्यू वीज़ा लेकर उम्र का या विजिट का या वर्क कोई भी वीज़ा लेकर दोबारा सऊदी में इंटर हो सकता हूँ, नहीं हो सकता, या क्या मामलात हैं, वो भाई ऐसे तमाम अफराद व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके मतलब चाहिए हो तो मुझसे ले सकते हैं। और वो तमाम परदेसी भाई जो यहाँ से डीपोर्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश कहीं भी, तो भाई अगर आप दोबारा उम्र विजिट या वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं सऊदीया का, और आप सऊदीया इंटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते या मुमकिन कब तक आ सकेंगे, तो भाई फिर आप भी इसी व्हाट्सएप के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। तो बहरहाल, एक मैं मुख्तलिफ वीडियो इस चीज़ के ऊपर बना चुका हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक मैं बोलता हूँ पुख्ता किस्म का मैं रिस्पॉन्स और आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो बताऊँगा और शेयर करूँगा, इंशाल्लाह ताला आपका फ़ायदा हो जाएगा, लाखों का नुकसान होने से बचेगा इंशाल्लाह। बहरहाल, न्यूज़ के मतलब आते हैं और मैं आपके साथ वीकली ये रिपोर्ट शेयर करता हूँ, इसका शेयर करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आप तमाम गैर मुल्की मेरे परदेसी भाई और जो न्यू वीज़ा सऊदी अरब लेना चाहते हैं वो देख लें यहाँ के हालात क्या हैं, उसके बाद जो भी आपको बेहतर लगता है वो कीजिएगा, मुहतात रहकर कीजिएगा। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं वीकली रिपोर्ट दाखिला की, अगर इनमें ये पिछले 6 से 7 दिनों की रिपोर्ट आती है जी, इसमें अगर हम टोटल की बात करें पिछले 6 से 7 दिनों में कितने हज़ार बंदा गिरफ्तार हुआ, इसमें 20,667 यानी कि तकरीबन 21,000 के अराउंड में बंदे गिरफ्तार हुए सऊदी अरेबिया से। भाई ये टोटल कौन है, ठीक है, जो कि जिनको पकड़ा गया है, सुन लें नीचे है जी, फर्स्ट नंबर के ऊपर मुखालफ है निज़ाम अल इकामा, ठीक है, जिनके इकामे एक्सपायर थे उनकी तादाद कितनी है, 14,805 या 14,800 बंदा गिरफ्तार हुआ जिनके इकामे एक्सपायर थे। आप खुद ही अंदाज़ा कर ले कितने हज़ार कितने लाख दुनिया के इकामे एक्सपायर हैं, और ये पिछले 6 से 7 दिन की रिपोर्ट है, ऐसा बनी है कि ये मंथली रिपोर्ट है। अच्छा, उसके आगे अगर बात करें कि मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद गैर कानूनी तरीके से इंटर या निकलते हुए जो गिरफ्तार होते हैं जी, उनकी तादाद है 3,860 बंदे, ठीक है जी। उसके आगे जी मुखालफा निज़ाम अल अमल, ठीक है, ये वो बंदे हैं जो सायखा सामन मंडी छोटा महना वाले कफील से एग्रीमेंट करके बाहर दिहाड़ी लगाए जा रहे हैं या कंपनी कफील से भाग कर बदून कफील के जुमरे में बाहर कहीं काम किए जा रहे हैं, जब पकड़े जाते हैं छुट्टा इनको बदून कफील के भाई जुमरे में रख कर डिपोर्ट करता है, तो ये वो बंदे होते हैं। टोटल इनकी तादाद है जी 2002, ये भी पिछले 6 से 7 दिनों में 2000 बंदा गिरफ्तार हुआ है मुखालफा निज़ाम अमल यानी के बदून कफील के जुमरे में। ये सायका सामन मंत्री जब बाहर काम करते हुए पकड़े जाते हैं ना भाई, तो चाहे इकामा वैलिड ही हो तो ये बदून कफील के जुमरे में फिर आ जाते हैं। तो बहरहाल, नीचे एक चीज और, सॉरी मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, मैं इसमें आज तरहील यानी कि सऊदी अरब से कितने बंदे डीपोर्ट हुए पिछले 6 से 7 दिनों में, तो नीचे तादाद उनकी लिखी हुई है 6,271, 6,271 बंदा भाई डीपोर्ट हुआ है सऊदी अरबिया से 6 से 7 दिनों में। ये कौन से हैं, ये भाई सभी वही हैं जिनके हरूप थे, जिनके बलाग हरूप थे या वो क्या बोलते हैं इकामा एक्सपायर पकड़े गए या बदून कफील के जुमरे में पकड़े गए। ज़्यादातर बलाग हरूप वालों को तो डीपोर्ट नहीं करते हैं, बाकी ये तमाम जो जुमरे मैंने आपको गिनवा दिए हैं यही बंदे हैं, 6-7 हज़ार बंदा डीपोर्ट हुआ। तो भाई अगर सऊदीया का वीज़ा लेना है तो अच्छे कफील का लीजिएगा, जो मेरे परदेसी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा आपको ये मशवरा है, हरूब है या इकामा एक्सपायर है, तो भाई ले दे करके अपने आप को लीगल कर लें, वो अच्छा है।